तो हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में पांच प्रातः स्मरणीय देवियों को याद किया है। पंच प्रातः स्मरणीय स्त्रियां कही गई हैं शास्त्रों में। मैं आपको नाम बताता हूं, वैसे तो याद होंगे। तारा, बाली की पत्नी, ये वही बाली है जिसको भगवान श्री राम ने मारा था, सुग्रीव के बड़े भाई अंगद के पिता। तो तारा, दूसरी स्त्री का नाम सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ये पांच सुबह ही सुबह याद करने वाली हूं मैं, कहां से आ गई। उसका नाम है मंदोदरी, रावण की पत्नी। किया करो याद उनको, घबराओ मत, रावण नहीं आने वाला। तीसरी सुन लो आप, अहिल्या, जिसको भगवान ने तारा था, पाषाण से स्त्री बनाया था। चौथी कुंती, पांडवों की मां। और पांचवी द्रौपदी। वैसे इन पांचों का परिचय देने की जरूरत तो नहीं है, पर कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि इन पांचों स्त्रियों में ऐसा क्या है कि इनको पांच प्रातः स्मरणीय स्त्री कहा गया। ये सवाल उठता है और ये सवाल उठना भी चाहिए। आज एक शाम मां के नाम मात्र शक्ति को वंदन करते हुए हमें याद रखना चाहिए। अगर ध्यान से आप इन पांच स्त्रियों की लाइफ का ग्राफ देखें, इनके इनके जीवन को बड़ी बारीकी से अगर चिंतन करें, तो आप पाएंगे कि संघर्ष करते हुए विपरीत परिस्थिति में इन्होंने अपने जीवन में शुभ का, कल्याण का, सही का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए इनको याद किया जाता है। मैंने कहा ना, स्त्री के जीवन के संघर्ष पुरुष के जीवन से अलग होते हैं। संघर्ष बाली ने भी किया होगा, रावण ने भी किया होगा, गौतम ऋषि ने किया होगा, पांडु ने किया था, पांडवों ने किया था, लेकिन इन स्त्रियों ने अलग ढंग से किया था।